अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी साबूदाना चना दाल के पकौड़ों की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे साबूदाना। यहाँ मैंने एक कप साबूदाना को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है। उसी के साथ मैंने चना दाल ली है 1/2 कप। इसे भी मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। इसे भी अच्छे से धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। चना दाल को हम मिक्सर जार में ऐड कर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, चना दाल को थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। दाल में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। इसके बाद इसे ग्राइंड किया है। अब हम चना दाल को एक बोल में निकाल लेंगे। सारी पिसी हुई चना दाल मैंने बोल में निकाल लिया। इस तरीके से इसे ग्राइंड करना है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे जो हमने साबूदाने को भिगो कर रखा था, वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कली को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे फ्राई करेंगे। तेल को मैंने पहले से ही मीडियम गरम कर लिया है। एक एक कर पकौड़ों को तेल में डाल देंगे। इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुरकुरा होने तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। पकौड़ों को मैंने क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया। इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े फ्राई कर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर निकाल लिया है। आप इसे सर्व करें हरे धनिये की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ। आप भी चटपटे क्रिस्पी साबूदाना चना दाल पकौड़ों की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।